प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं यहां पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूं। तो चलिएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसे कैसे कंप्लीट पूरा कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहां से इसको देख सकते हो, आपका जो पेपर होगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 23 होगी और कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या 8 होगी और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार का आने वाला है जैसा कि आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग यहां से इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें, जिससे कि आप सभी को कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा बिना किसी देरी के इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, जिससे कि आप सभी को कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो, इस जगह पर आपको निर्देश दे रखे हैं, आप सभी लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और समझ लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर की, जिससे कि आप सभी को आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा बिना किसी देरी के समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का आपसे पूछा जा रहा है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर का फ्रंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर किस प्रकार से लिखना है आप सभी लोग यहां से इसको देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटरनिक चांसलर था, मेटरनिक जो था प्यारे विद्यार्थियों कहाँ का चांसलर था, तो ये जर्मनी का चांसलर था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सिल्क मार्ग के नाम से। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको इस प्रकार से नोट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, किसको अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का? तो ये न्यायालय को अधिकार है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो ये सरकार के पास में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिएगा समूह सदस्यों के द्वारा अधिकतर निर्णय इसमें लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग यहां से इसको देख लीजिएगा और ये आपके पेपर का कोड रहने वाला है 10-53B। आप सभी लोगों को ये पास में अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर आता है तो आप सभी का बिल्कुल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। चलिएगा अब रिक्त स्थान पूर्ति को समझ लेते हैं कि रिक्त स्थान पूर्ति में आपको क्या दिया गया है। तो देखिएगा पहला रिक्त स्थान लिखा है, होज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो होज खास में आपको क्या लिख लेना है, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे। तो इस जगह पर आपको लिख लेना, चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों में ये पहुंचे थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो इस जगह पर आपको लोकतंत्र भर लेना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, भारत में मानव विकास रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। तो इस जगह पर आप लोग उत्तर प्रदेश राज्य लिख लेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है, छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र लिख लेना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो देखिएगा आप सभी लोग यहां से इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जा रही है, आप यहां से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये दिया गया है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी आपको किस प्रकार से बना लेनी है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा होगा? बिहार हो जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था किस राज्य में है, देश में है? श्रीलंका में है। उसके बाद में ब्रुसेल्स की जोड़ी आपको बेल्जियम से मिलान कर लेनी है। रोलर टेक्टिक की जोड़ी 1919 से मिलान कर लेनी है। यंग यूरोप की 1833 से मिलान कर लेनी है। और टिहरी बांध इसकी जोड़ी उत्तराखंड से मिलान कर लेनी है। इस प्रकार से आप सभी लोग जोड़ियों का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि आप सभी को ये बाकी के क्वेश्चन और उन सभी के आंसर्स आपको समझ में आ सके। तो देखिएगा आगे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा चिपको आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेती से संबंधित है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का उपयोग होता था, किसके लिए होता था? तो ये कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के लिए होता था सिंधु सभ्यता में। इस प्रकार से आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का उपयोग ये देख लिया था हमने, मुद्रा के लिए किया जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिएगा, बेल्जियम में जो है डच या फिर फ्रेंच भाषा बोली जाती है, यानी कि कुछ कुछ इसका प्रतिशत यहाँ पर बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि आप सभी को सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो सके। और प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को सभी प्रकार के पेपर दिखाए जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, मानव विकास सूचकांक कौन से संस्था जारी करती है? तो इसको जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर अच्छे से समझा दिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं हम सत्य असत्य की। सत्य असत्य आपको किस प्रकार से कम्प्लीट करने होंगे यहाँ से देखते चले आप बराबर। यहाँ पर लिखा है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, बिल्कुल सत्य होगा। वीना संधि 1820 में हुई थी, असत्य होगा। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया, ये भी सत्य होगा। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, ये असत्य होगा। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था, ये भी असत्य होगा। उसके बाद में देश को सर्वाधिकारी सेवा क्षेत्र से होती, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ तक का इस पेपर को पूरा देख लें। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का अथवा दिया गया है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ के क्वेश्चन को देख लें हम। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, 8 लिखा है। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने आप सबको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो दे दिया है, मगर जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन हैं, उनके लिए आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन मिल जाएगी, जो कि कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करके इस प्रकार से मैंने डाल रखा है। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो वहाँ उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग ऐसा करें, कुछ एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें, वो वीडियो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और उस वीडियो में मैंने आपको 2 अंक वाले 3 अंक वाले 4 अंक वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पर दिया है। बाकी पेपर में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन छपकर आएंगे आप लोग यहां से देख लें इनको। और इसके बाद में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो, प्रश्न नंबर 13 लिखा है, 14 लिखा है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, ये 20 लिखा है, ये 21, 22 और 23 दिए गए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें और इनका सॉल्यूशन तैयार कर लें। और देखिएगा, यहाँ पर आपके भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो ये चीज़ें भरने के लिए भी आपसे पूछा जाएगा। आप सभी लोग इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्यारे विद्यार्थी बता दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।